पानी के अंदर दुश्मनों को पानी पिलाने वाली इंडियन नेवी की नई पनडुब्बी शामिल होने जा रही है। 31 जनवरी को मुंबई के मजगांव डॉक पर स्कॉर्पियो श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी INS करंज को लॉन्च किया जाएगा। करंज की लॉन्चिंग के मौके पर नौसेना प्रमुख सुनील लांबा भी मौजूद रहेंगे। करंज एक स्वदेशी पनडुब्बी है जो मेक इन इंडिया के तहत तैयार की गई है। कलवरी और खांदेरी के बाद करंज की ताकत देखकर दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे। अपने आधुनिक फीचर्स और सटीक निशाने की क्षमता वाली स्कॉर्पिन पनडुब्बी करंज दुश्मनों को चकमा देकर सटीक निशाना लगा सकती है। करंज की ये खूबी चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की मुश्किलें बढ़ा देगी। इसके साथ ही करंज टारपीडो और एंटी शिप मिसाइलों से हमले भी कर सकती है। ये पनडुब्बी हर तरह के वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और इंटेलिजेंस को इकट्ठा करने जैसे कामों को भी बखूबी अंजाम दे सकती है। गौरतलब है कि करंज पनडुब्बी 67.5 मीटर लंबा, 12.3 मीटर ऊंचा और 1,565 टन वजनी है। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती गुस्ताखियों के चलते भारतीय रक्षा मंत्रालय से भारतीय नेवी को 6 आधुनिक पनडुब्बियों की मंजूरी मिली थी, जिसके बाद इस परियोजना का 6 पनडुब्बियों की सीरीज का दूसरा INS खांदेरी पहले ही नेवी के बेड़े में शामिल किया जा चुका है। बता दें कि इन सभी सबमरीनों को 2020 तक भारतीय नेवी में शामिल करने की योजना है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।